A very good morning, students. Welcome to Shivani Group of Institutional Online Classes. So, students, today I am going to discuss the Geography 7th chapter, North America, for class 6. So, let us start the chapter. For this subject, we will talk about the formation of continents. But the continents ka formation kaise hota hai? So, continents and ocean. So, I want to discuss the large landmass forming part of the have been tracked back to 1858 when continental drift theory was first developed by Antonio Snyder. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो concept है moving continents का, ये कब सामने आया? 1858 को कैसे सामने आया? Continental drift theory के जरिए. Continental drift कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसको भी किसने इंट्रोड्यूस किया था? एंटोनियो स्नाइडर. एंटोनियो स्नाइडर, ठीक है. तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के जरिए हमारे सामने आया था. इट इज इंट्रोड्यूस बाय एंटोनियो स्नाइडर. तो हम बात करते हैं कि इन हिज थ्योरी, इनकी थ्योरी में ही ट्राई टू एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन. तो अपनी थ्योरी में उन्होंने क्या करने की कोशिश की? उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, मतलब कॉन्टिनेंट्स का अरेंजमेंट और उसके ओशन बेसिस को. तो एज अर्ली मैपिंग गेन एक्यूरेसी, सम ऑब्जर्व नोटिस अ सेंट्री इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका. तो हाउ एवर एल्फ्रेड वेगनर, जो कि एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने प्रेजेंट की अपनी थ्योरी को, इस थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इन 1915 इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन. तो ये जो हमारे एल्फ्रेड वेगनर थे, जो कि एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं कि जो वेदर कंडीशंस को बताते हैं. तो इन्होंने अपनी एक इन्होंने प्रेजेंट किया अपनी थ्योरी को, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, अपनी बुक में, जिस बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. तो वेगनर regarded as a father of the concept. तो वेजनर को समय आज के क्या कहा जाता है? Father of the concept. ठीक है. Based his theory not only on the shape of the continents but also in geological and biological intensity. तो अपनी इस theory में उन्होंने सिर्फ continents की shape को ही describe नहीं किया, बल्कि उन्होंने geological और biological evidence को भी बताया. Such as similarities in fossils found in Brazil and अफ्रीका, मतलब कि जैसे कि जो फॉसिल्स होते हैं, जो पाए जाते हैं ब्राजील और अफ्रीका में, वो उनमें सिमिलरिटीज कैसे हैं. वी ड्रू अ सीरीज ऑफ मैप्स शोइंग थ्री स्टेजेस इन द ड्रिफ्टिंग प्रोसेस बिल्डिंग इन एन ओरिजिनल लार्ज लैंडमास. तो विच की कार्ड, मतलब उन्होंने ड्रॉ किया मैप को जिसमें उन्होंने ड्रिफ्टिंग प्रोसेस की तीनों स्टेजेस को दिखाया, ठीक है. बिगनिंग द स्टार्टिंग से विद द ओरिजिनल लैंडमार्क, ओरिजिनल लैंडमार्क को जिसको भी कहा जाता है पेंजिया, ठीक है, जिसको पेंजिया कहा जाता है. पेंजिया का मतलब होता है ऑल लैंड्स, पी ए एन जी ए टी ए, ठीक है. पेंजिया मीन्स होता है लार्ज ऑल लैंड्स. तो वेगनर बिलीव दैट द कॉन्टिनेंट्स कंपोज्ड ऑफ ग्रैनाइट सिलिका, मतलब साइड सम ऑफ प्लग थ्रू द डेंसर रॉक्स ऑफ द ओशन फ्लोर ड्रैगन बाय द फोर्सेस रिलेटेड टू द अर्थ. बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेजनर द पेंजिया वाज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय एन एक्सटेंसिव वाटर मास कॉल्ड द पान्हा प्लाजा. तो जो वेजनर के अकॉर्डिंग की जो पेंजिया
जा सके। ठीक है, ये जो हमारा लैंडिया है इट इज सराउंडेड बाय द इट इज सराउंडेड बाय ऑल साइड्स विद एक्सटेंसिव वाटर, तो इट इज कॉल्ड पैंथा प्लस। तो पैंथा प्लस का मतलब पैन मतलब होता है जो ऑल, ठीक है, पैन मींस होता है ऑल और थलासा मतलब होता है ओशन। ठीक है, पैन इज आर एंड थलासा इज ओशन, तो पैन का लासा मतलब होता है आर ओशंस और द प्राइमल ओशंस। ही बिलीव दैट द पैंथा लासा स्टार्टेड ब्रेकिंग अप इन द कार्बोनिफेरस पीरियड एंड द प्रेजेंट शेप्स एंड रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द कॉन्टिनेंट इज अ रिजल्ट ऑफ द फ्रेगमेंटेशन ऑफ पैंजिया बाय रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग एट अ पार्ट ऑफ द ब्रोकन नेट मास। ठीक है, तो ही आल्सो ऑफ द ओपिनियन द न्यू ओपिनियन था दैट द कॉन्टिनेंट्स आर मेड अप ऑफ सिल एंड ओशन बेसिंस आर मेड अप ऑफ सैंड। ठीक है, तो जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो हमारे किससे बनते हैं, साइल सिल से बनते हैं, एस आई एल। ठीक है, और जो हमारे ओशन बेसिंस हैं वो हमारे सैंड से बनते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि द मेन कॉन्टिनेंट्स इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्थ अमेरिका का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। जो नॉर्थ अमेरिका है हमारा, ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, वर्ल्ड का। इट इज बिलीव दैट इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द विकिंग्स इन द 10th सेंचुरी। तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि इसकी डिस्कवरी कब हुई, इसके द्वारा हुई थी, विकिंग्स के द्वारा हुई थी, ठीक है, 10th सेंचुरी। तो लेटर द इटालियन नेविगेटर क्रिस्टोफर कोलंबस, तो बाद में जो हमारा इटालियन नेविगेटर था, इटली का जो नाविक था, नेविगेटर मतलब नाविक होता है, जो उसका नाम था कोलंबस, उसने वो वेस्टर्न डीज पहुंचा 1492 में और बिलीविंग ही हैड रीच इंडिया, उसके बाद वो इंडिया पहुंचा। ठीक है, हाउएवर अनदर इटालियन नेविगेटर एमरिगो वेस्पुची एक्चुअली डज द मून लैंडिंग 1497 एंड द कॉन्टिनेंट वाज नेम्ड अमेरिका आफ्टर हिज नेम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिससे सबसे पहले हमारे कौन आए थे, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि 1492 में वेस्ट इंडीज पहुंचे। उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, जो दूसरे इटालियन नेविगेटर थे जिसका नाम था एमरिगो, एमरिगो के नाम पर क्या कहते हैं इस कॉन्टिनेंट का नाम क्या पड़ा, अमेरिका। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है बाउंड्रीज, तो इसकी सीमा यानी, तो नॉर्थ अमेरिका इज सराउंडेड बाय ओशंस एक्सेप्ट इन साउथ वेयर इट इज जॉइंट विद साउथ अमेरिका बाय द इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये हमारा सराउंडेड है ओशन से, तो इसमें एक्सेप्ट इन साउथ, तो साउथ में वेयर जहाँ पर ये ज्वाइंट हो जाता है साउथ अमेरिका से, जो नॉर्थ अमेरिका है साउथ अमेरिका से ज्वाइन हो जाता है कैसे, इस्थमस ऑफ पनामा यानी पनामा नहर से। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका इज बॉन्डेड बाय पैसिफिक ओशन, जो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है ये हमारा किससे घिरा हुआ, पैसिफिक ओशन से, ठीक है, इन द पैसिफिक एंड द एटलांटिक ओशन, एटलांटिक और इसके ईस्ट में क्या है, एटलांटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन जो है इसके नॉर्थ में है एंड कैरिबियन सीज के क्या है, साउथ। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं कोस्ट लाइन की, कोस्ट लाइन यानी तटीय रेखा। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका हैज अ स्मूथ कोस्ट लाइन विद मेनी वाइड ओपनिंग्स अलोंग इट्स कोस्ट, तो नॉर्थ अमेरिका की अपनी मतलब बहुत ही स्मूथ कोस्ट लाइन है। ठीक है, विद मेनी वाइड ओपनिंग्स इट्स कोस्ट, इट हैज मेनी गल्फ्स एंड बेस, उसमें बहुत सी खाड़ियां हैं। ठीक है, जैसे कि गल्फ ऑफ मेक्सिको, द हडसन बे, द गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस एंड द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, तो जो हमारे नॉर्थ अमेरिका है इसमें बहुत क्या कहते हैं खाड़ियां भी हैं और गल्फ मतलब कच्छ भी है। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मेक्सिको, हडसन बे, ये सब हमारी इसमें पाई जाती है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इसकी एक्सटेंट एंड लोकेशन, इज इट क्लियर। तो हम बात करते हैं, सो नाउ आई वांट टू डिस्कस द पॉलिटिकल डे
डिविजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका के अगर हम पॉलिटिकल डिविजन्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमें लगता है कि नॉर्थ अमेरिका मेन कंट्रीज आर, जो नॉर्थ अमेरिका के जो मेन कंट्रीज हैं वो हमारे हैं कैनेडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको। तो जो हमारे नॉर्थ अमेरिका के स्टेट्स हैं, जो मेन स्टेट मेन कंट्रीज हैं, वो कैनेडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्सिको। तो टुगेदर दीज थ्री कंट्रीज मेक अप अबाउट 95% ऑफ द एरिया ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो ये जो तीनों कंट्रीज हैं ये साथ मिलकर नॉर्थ अमेरिका के 95% एरिया को क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, द कंट्रीज साउथ ऑफ मैक्सिको आर टुगेदर रिफर्ड टू एज सेंट्रल अमेरिका। तो ये जो कंट्रीज हैं साउथ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको के साउथ में, वो आपस में क्या रिफर करते हैं, सेंट्रल अमेरिका को। किस चीज को रिफर करते हैं, सेंट्रल अमेरिका को। सबसे पहले हम इसके पॉलिटिकल डिविजन पे बात करते हैं, आइलैंड्स को। ठीक है, बच्चों देयर आर मेनी आइलैंड्स इन द आर्कटिक पोर्शन लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो बहुत से आइलैंड हैं आर्कटिक पोर्शन में जो कि क्या कहते हैं लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब जो कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में है। ठीक है, ऑफ दीज उनमें जो है ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड। तो उन सब आइलैंड में सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो हमारा क्या है, ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो विच इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ग्रीनलैंड इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सम ऑफ अदर आइलैंड्स आर बेसिन आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड। तो दूसरे जो आइलैंड है वो हमारे कौन से, सबसे पहले तो हमारा ग्रीनलैंड है जो कि हमारा हाईएस्ट आइलैंड है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो आइलैंड आते हैं इसके अलावा वो हमारे हैं डेफिन आइलैंड, डेफिन आइलैंड और विक्टोरिया आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड। ठीक है, डेफिन आइलैंड एंड विक्टोरिया आइलैंड, ये हमारे क्या है आइलैंड्स हो गए बिलोंग टू कैनेडा। तो द आइलैंड ऑफ न्यू फॉर्म लैंड लाइज ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ कैनेडा। तो ये जो हमारे आइलैंड है, जो हमारे न्यू फॉर्म लैंड के आइलैंड है, वो हमारे कहाँ पड़ते हैं, कैनेडा के ईस्ट कोस्ट में पड़ते हैं। ठीक है, तो द आइलैंड्स ऑफ द वेस्टर्न डीज फॉर्म अ चेन ऑफ स्मॉल आइलैंड्स इन द कैरेबियन। और जो वेस्टर्न डीज के आइलैंड्स हैं वो एक चैन को फॉर्म करते हैं, कड़ी को फॉर्म करते हैं, छोटे छोटे मतलब कैरेबियन सी के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो एक कड़ी के रूप में किसको फॉर्म करते हैं, वेस्टर्न डीज के आइलैंड्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो दे इंक्लूड, इसमें हमारे क्या इंक्लूड होते हैं, क्यूबा, जमाका, हैटी, डोमिनिशियन एंड रिपब्लिक एंड प्यूरेटो रिको। तो ऑल दीज आइलैंड्स बिलोंग टू नॉर्थ अमेरिका। तो ये सभी आइलैंड्स हमारे किसको बिलोंग करते हैं, नॉर्थ अमेरिका को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की। ठीक है, तो ड्रेनेज में आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर एस फॉलोइंग। तो इसमें ये जो हमारे रिवर्स बात करें जो आगे, सबसे पहले हमारे रिवर्स है मिसिसिपी रिवर। तो इट इज अ मेजर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो ये जो हमारी रिवर है ये मेजर ड्रेनेज सिस्टम है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, मेजर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो द मास्टर स्ट्रीम ऑफ द मिसिसिपी, ये जो मिसिसिपी की जो मास्टर स्ट्रीम है, मुख्य नदी है, वो फ्लो करती है साउथवर्ड से सेंट्रल रोवर्ड की और ड्रेन होती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, रिवर मिसोरी में और रिवर ओहियो में, जो कि इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो मिसिसिपी रिवर की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ कौन सी हैं हमारी, रिवर मिसोरी, रिवर ओहियो और ये हमारी क्या है, मिसिसिपी रिवर्स की मेजर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, सो स्टूडेंट्स लेट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।